इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। ये जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है, ये हकीकत मानिए आतंकवादी लोग हैं। बिना मंदिर तोड़े मस्जिद बनी थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने साबित किया। तुमने मस्जिद तोड़ करके मंदिर बनाया, भविष्य के लिए तैयार रहो, इतने में समझ जाओ। बरगलाते हैं, झूठ बोलते हैं, और योगी आदित्यनाथ का तो काम ही है। अभी हाल में हमने सुना उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पे अगर मस्जिद के लिए ऑर्डर आया होता तो मैं नींव रखने नहीं आता। असली तो हिंदू जो है वो आपकी बदौलत और आपकी दया से भूखा घूम रहा है, बिना नौकरी के, बिना पैसे के। इस देश के अंदर जिनकी हिंदू में गिनती होती है, गणना होती है, उसमें 70% से ज़्यादा दलित, एससी, एसटी, ओबीसी हैं, जिसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ या तो मुसलमानों से लड़ाने के लिए करती है या वोट खींचने के लिए उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करती है कि वो हिंदू हैं। जबकि हकीकत मानिए कि उनमें से ना तो एससी, ना एसटी, ना दलित हिंदुओं में आता है, ना ही ओबीसी की अधिकतर जो कैटेगरीज हैं वो हिंदू में आती हैं। हमारे जैसे सवर्ण जाति के लोग ये उन निचली जातियों को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, माफ़ कीजिएगा, और मुसलमानों से लड़ाने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। अधर्म है ये, बहुत बड़ा अधर्म है जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी ने बिना हिंदुओं को साथ लिए, खाली विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोगों को समझते हुए उनको तो बिठा दिया है उस ट्रस्ट के अंदर, मोहन भागवत को बिठा दिया मंच पे और खुद मोदी जी बैठ गए। कहाँ गए वो सारे अखाड़े, क्यों नहीं थे वो मंच पे जो इसके लिए लड़ते आए? भारत में जो हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि किसी भी शिलान्यास, भूमि पूजन के लिए यदि परिणित व्यक्ति है, शादीशुदा है, तो अपनी परिणीता अर्धांगिनी को बाएं हाथ पे बिठाना चाहिए। मोदी जी ने क्यों यशोदाबेन को नहीं बिठाया? क्या सिर्फ वो एफिडेविट में नाम लिखने के लिए थी? अगर थी भी तो भाई ये तो फिर अधर्म की बात है, क्योंकि मेरे वेद पुराण के खिलाफ जाता है। यहाँ तक के भूमि पूजन जो पहले वेदों के हिसाब से भी हुआ, उसमें अर्धांगिनी को बगल में बिठाना पड़ता है, और नहीं तो किसी और को करने देते। आपको ज़रूरी था कि वहाँ पर पॉलिटिक्स करनी थी। दूसरी बात, ये बिल्कुल फिर एक गलत चीज़ है। जिस चीज़ का शिलान्यास, जिस पर्पज़ के लिए किसी एक ज़मीन पे हमारे वेद पुराण के हिसाब से हो चुका है, उसका दोबारा नहीं होता। तीसरी बात, आप ये समझिए कि आपने जो शिलान्यास या भूमि पूजन किया है, ये इस समय किया है जब लाखों हमारे भारतीय कोरोना ग्रस्त हैं। आप क्या राजनीतिक ड्रामा करना चाहते हैं? क्या आप सच्चाई से लोगों को दूर ले जाने के लिए इस तरीके से, खास करके गोदी मीडिया का इस्तेमाल करके कभी मरहूम सुशांत के टॉपिक के ऊपर आप खाली चिपक जाएंगे, कभी आप चीन को लेके चिपक जाएंगे जबकि आप खुद गलत और नामर्दगी का सबूत निकलेंगे, कभी आप भूमि पूजन के ऊपर आप राजनीति करेंगे, लेकिन आप कोरोना या देश की इकॉनमी, देश की पढ़ाई, देश में नौकरी, देश में बेरोज़गारी, किसानों की परिस्थिति और महिलाओं के साथ होता दुर्व्यवहार, इसके ऊपर तो कोई आप बात नहीं करेंगे। देखिए, जब कहा जाता है कि राम मंदिर निर्माण के लिए लड़ाई लड़ी गई, तो इसमें दो लड़ाइयाँ हैं। एक है जो कि संवैधानिक तौर पे अंग्रेज़ों के ज़माने से निर्मोही अखाड़ा से लेके कई और अन्य लोग इसके लिए कई सौ सालों से लड़ते आए, क्योंकि वो चाहते थे कि राम मंदिर का निर्माण हो, पर उनमें से कभी किसी ने ना तो चेष्टा करी, ना अपना वक्तव्य दिया कि हमें बाबरी विध्वंस करना है। ये तो 1980 के दशक में पैदा हुई भारतीय जनता पार्टी, जो कि आरएसएस की पांख है, और विश्व हिंदू परिषद जो भी आरएसएस की पांख है, इन लोगों ने इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया, और राजनीति को गर्म करने के लिए इन्होंने जब बाबरी का 6 दिसंबर 1992 विध्वंस किया, उसको शहीद किया, उसको तोड़ा, तब आप देख सकते हैं कि उस पर हज़ारों लोग वहाँ भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद ने इकट्ठे किए थे, और सरकार के कानून के अगेंस्ट जाके, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के विपरीत जाकर के उन्होंने उस पुरानी जर्जर जमीन पे, जर्जर ढांचे को, मस्जिद को तोड़ा। तो ये अगर उस चीज़ को लड़ाई कहते हैं कि ये अगर उनकी लड़ाई थी विश्व हिंदू परिषद की या आरएसएस की, जिसके बदौलत वहाँ पे लोग पिटे, मरे, गले, तो इसको लड़ाई नहीं कहा जा सकता, इसको गुंडागर्दी कहा जा सकता है, आतंक कहा जा सकता है। ये जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है, ये हकीकत मानिए आतंकवादी लोग हैं। ये आतंक फैला करके, चाहे वो गाय के नाम पे हो, राम के नाम पे हो, जय सिया राम के नारे को बर्बाद करके जय श्री राम आतंकी नारा बना देने वाले, इन लोगों से कोई अपेक्षा ना की जाए। और
राम तो हमारे दिल में बसते हैं, कण कण में बसते हैं, कतई नहीं क्लोज हुआ ये चैप्टर, कभी क्लोज होगा ही नहीं और भारतीय जनता पार्टी खुद बंद नहीं करेगी। एक हिंदी में कहावत है कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को कोई नहीं काटता। राम मंदिर जो कि अब राजनीतिक राम मंदिर और राजनीतिक राम बना दिए गए हैं, वो इनके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। ये अभी भी उस पर राजनीति करेंगे, इंतज़ार कीजिए। मुझे मेरी अपेक्षा, मेरी अंदर की सोच है कि ये अभी उसके ऊपर खुद अटैक करवाएंगे, ये अभी उसके ऊपर खुद नुकसान करवाएंगे, ताकि मुसलमानों के साथ दोबारा बैर और राजनीति गर्म करने का इन्हें मौका मिले। राम मंदिर का निर्माण इन्हें नहीं करना है। अगर इन्हें राम मंदिर का निर्माण करना होता तो देशवासियों आप समझ लो, ये वही नरेंद्र मोदी है जो 1950 या जब कभी भी पैदा हुआ से लेके शिलान्यास जो इसने नाटक वाला किया, तब तक कभी ये रामलला को देखने अयोध्या नहीं गया। और यदि अगर ये गया भी था तो मेरे ख्याल से 6 दिसंबर 1992 को गया होगा, जब इसने छत पे चढ़ के बाबरी के हथौड़े चलाए होंगे। तो ये तो अगर इसने वो प्रतिज्ञा ली थी तो फिर और लोग भी प्रतिज्ञा ले सकते हैं। समय का चक्र है, बिना मंदिर तोड़े मस्जिद बनी थी ये सुप्रीम कोर्ट ने साबित किया। तुमने मस्जिद तोड़ करके मंदिर बनाया, भविष्य के लिए तैयार रहो, इतने में समझ जाओ। वो मुद्दा इनके लिए हो सकता है लेकिन भारत के संविधान कानून और कोर्ट के लिए नहीं हो सकता। मैं उसका एग्जांपल आपको दे देता हूँ। 1991 में बने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी कानून के अंदर सेक्शन 5 जो था उसमें राम मंदिर बाबरी मस्जिद का जो मैटर था उसको छोड़ के बाकी जितने भी प्लेस ऑफ वर्शिप हैं, जितने भी स्थल हैं पूजा के आस्था के, उनको कभी कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, जिनकी गिनती 1947 से होती आई है। ये भारत का कानून है और इसी चीज़ को दोहराया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में जो 2019 में बाबरी मस्जिद राम मंदिर पे आया था, कि इसके बाद इसको ना तो एग्जाम्पल के तौर पे रखा जाएगा ना इस जजमेंट का उदाहरण दिया जाएगा, क्योंकि कानून में अलाउड नहीं है। तो विनय कटियार हों, चाहे नरेंद्र मोदी हों, चाहे सिर फिरे जो भी घूम रहे हों, जो काशी मथुरा की बात करते हैं, आपका ये सपना, ये भारत का कानून तो ठीक, मोदी खुद पूरा नहीं हुआ। जनभावना और योगी की थिंकिंग, ये दो अलग चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो इस देश में 90 करोड़ टोटल वोटर है। 2019 का ही उदाहरण लें अगर, तो उस 90 करोड़ में से मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे कि 70 करोड़ हिंदू होंगे। उस 70 करोड़ में से मुश्किल से 50 करोड़ लोग वोट देने के लिए गए, हिंदुओं की बात कर रहा हूँ। उस 50 करोड़ का 30-35% इनको मिला भारतीय जनता पार्टी को, अर्थात मान लेते हैं कि पूरे देश के अंदर 22-23-24-25 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं ने इनको वोट नहीं दिया। लेकिन टोटल हिंदू की जनसंख्या कितनी है? लगभग 70-80 करोड़। मैं वोटर्स की खाली बात करता हूं, तो अगर 75 करोड़ में से अगर 25 करोड़ वोटर्स ने इनको वोट भी नहीं दिया तो किस जनभावना की बात करते हैं? बरगलाते हैं, झूठ बोलते हैं। और योगी आदित्यनाथ का तो काम ही है, अभी हाल में हमने सुना उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पे अगर मस्जिद के लिए ऑर्डर आया होता तो मैं नींव रखने नहीं आता। ये इनकी गंदी राजनीति है, ये इनका हिंदू वोट पोलराइजेशन की, हिंदू वोट पोलराइजेशन, और तो कुछ इनको आता नहीं है, हिंदू वोट पोलराइज करना है इसका इनका मकसद होता है। पर ये भूल जाते हैं कि हिंदू वोट इनकी तरफ पोलराइज नहीं हो रहा, क्योंकि जिस हिंदू की ये बात कर रहे हैं वो इस समय भूखा मर रहा है, उसके पास काम नहीं है। हो सकता है कि आपको सोशल मीडिया और कुछ इधर उधर गोदी मीडिया में दिखे कि लोग हल्ला मचा रहे हैं कि भाई नहीं मोदी योगी और हिंदू और मंदिर और ये, पर ये बहुत ही कम है। असली तो हिंदू जो है वो आपकी बदौलत और आपकी दया से भूखा घूम रहा है, बिना नौकरी के, बिना पैसे के, जिसका आप इलाज नहीं कर रहे, वो हिंदू आपके साथ नहीं है। देखिए, ओबीसी समाज के साथ धोखा कैसे हो सकता है अगर नरेंद्र मोदी जो कि खुद ओबीसी हैं और जा करके इसका शिलान्यास नाटक वाला करते हैं, तो ओबीसी समाज के साथ तो नहीं हुआ। आप ये समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में अगर आधे मिनट में समझा पाऊँ तो, कि इस देश के अंदर जिनकी हिंदू में गिनती होती है, गणना होती है, उसमें 70% से ज़्यादा दलित SC ST OBC हैं, जिसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ या तो मुसलमानों से लड़ाने के लिए करती है या वोट खींचने के लिए उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करती है कि वो हिंदू हैं। जबकि हकीकत मानिए कि उनमें से ना तो SC ना ST ना दलित हिंदुओं में आता है, ना ही OBC की अधिकतर जो कैटेगरीज़ हैं वो हिंदू में आती हैं, वर्ण व्यवस्था तक में नहीं आती हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू की इस देश में गिनती करने के लिए संविधान के हिसाब से प्रणाली है।
तो बचे आपके क्या, क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण। अगर आप इनकी जनगणना या परसेंटेज कर लेंगे तो ये एक एक पूरे सागर में एक बूंद के बराबर निकलेंगे। और इस वजह से ये जो पुराना चलता चला आ रहा है जातिवाद का ढकोसला, जातिवाद का ड्रामा, इसमें ये हमारे जैसे सवर्ण जाति के लोग ये उन निचली जातियों को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, माफ़ कीजिएगा, और मुसलमानों से लड़ाने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। अब वो जागरूक हुए या नहीं हुए पता नहीं, लेकिन इस समय याद रखिए वो भूखे पेट हैं, उनके बच्चे भूखे हैं, उनके घर में बूढ़े भूखे हैं और उनके घर में कोई कमाई का साधन नहीं है। धन्यवाद कोरोना मैया, आपने मोदी को सीधा करने के लिए इस देश को एक दिशा दी है, चाहे इस कीमत पे दी है। अब मैं सोचता हूँ, इलेक्शन नहीं, मैं समझता हूँ इस बात को कि ये देश शायद, और जो होता आया है कि जब भूख लगती है ना तब इंसान जागता है, कई बार ठोकर से भी नहीं जागता। मैं आशा करता हूँ कि सो कॉल्ड हिंदू अब जागेगा और इन नराधम अधर्मियों को ना सिर्फ सत्ता से, इस देश से भी बाहर निकालेगा। डर किसको लगता है? जिसको डर लगता है वो ऐसे आपके सामने अकेला नहीं खड़ा होता। डर जिसको लगता है इस देश में, वो सुरक्षा कवच के घेरे में घर में बैठ करके इस देश को चलाने की कोशिश नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति करता है। क्या आप नरेंद्र मोदी का इस तरह इंटरव्यू ले पाएंगे? वो डरपोक है, वो डरपोक व्यक्ति है। और आपके माध्यम से, क्योंकि वो गुजरात से आता है, गुजरातियों को कुछ कहना चाहता हूँ। एकदम बीकड़ो माणस छे, फट्टू छे, इन्हें काई आवड़तू नहीं, अने बधाय गुजरातीओ जे तमे मोदी मोदी करता हता, आजनी तारीख में तमारी शू परिस्थिति थई छे ये तमे विचारी लो। कहने का तात्पर्य ये है कि डरपोक वैसे लोग होते हैं, हम डरपोक नहीं हैं। मैं सरकार के खिलाफ बोलता हूँ, जी बोलता हूँ। मैं मोदी और भाजपा और आरएसएस के खिलाफ बोलता हूँ, जी बोलता हूँ। क्यों ना बोलूँ? कौन है ये, क्या कर लेंगे मेरा? सच बताने का, आईना दिखाने का अगर कोई क्राइम है तो मैं करता हूँ। सच बोलने वाले उन लोगों पे कार्रवाई की जाती है जो या तो राजनीतिक लोग होते हैं और या पैसा कमाने के लिए जानबूझ के इन्हें या किसी और को परेशान करें। दोस्तों, ना तो मुझे राजनीति में आना है और ना मुझे इनके एक पाई ढेला भी चाहिए, इसलिए ये मेरे सामने सिर्फ झुंझला के बैठ जाते हैं, मुझसे लड़ नहीं पाते। और मैं आप जैसा एक आम इंसान हूँ, अगर आप भी इस बात को समझ सकते हैं तो समझ लीजिएगा दोस्तों, आपसे भी ये लड़ नहीं पाएंगे, बस आपको बहकावे में लाएंगे। आप बहकना बंद कर दीजिए।